प्रस्तुति अग्रवाल जनसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट मलाड ईस्ट मुंबई। उर्दू में रामायण लिखी पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त चकबस्त लखनवी 1882 में पैदा हुए और सन 1926 में वो इस दुनिया से गुजर गए। उनके पिता पंडित उदित नारायण शिवपुरी चकबस्त भी शायर थे और यकीन के उपनाम से लिखते थे। वो पटना में डिप्टी कमिश्नर थे। चकबस्त ने 1908 में कानून की डिग्री ली और वकालत शुरू की। राजनीति में भी रुचि लेते रहे और देश की आजादी की लड़ाई में गिरफ्तार भी हुए। बचपन से ही शायरी शुरू कर दी थी। करबला में इमाम हुसैन की शहादत की दर्दनाक घटना को कलमबंद करके मीर अनीस और मिर्जा दबीर उर्दू साहित्य में अमर हो गए। कहा जाता है कि उसी से प्रेरणा लेकर चकबस्त ने रामचंद्र जी के वनवास जाने की घटना पर उर्दू में मरसिया लिखा, यानी शोक की कविता। बड़े दुख की बात है कि चकबस्त ने रामायण के कई दृश्य लिखे लेकिन वो अपना कार्य पूरा नहीं कर सके क्योंकि 42 वर्ष की अल्पायु में उनका देहांत हो गया। चकबस्त की रामायण पेश है इसका पहला हिस्सा। 14 साल के लिए वनवास जाने से पहले रामचंद्र जी अपनी मां कौशल्या से मिलने के लिए आए हैं। ये विदाई के समय का दृश्य है जिसे चकबस्त ने बड़े भावनात्मक ढंग से लिखा है। पेश है। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिल अव्वल हुई तमाम। मंजूर था जो मां की जियारत का इंतजाम, दामन से अश्क पोछ कर दिल से किया कलाम। इजहारे बेकसी से सितम होगा और भी, वो देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। दिल को संभालता हुआ आखिर वो नौनिहाल खामोश मां के पास गया सूरते ख्याल। देखा तो एक दर में है बैठी वो खस्ताहाल, सकता सा हो गया है ये है शिद्दते मलाल। तन में लहू का नाम नहीं जर्द रंग है, गोया बशर नहीं कोई तस्वीरे संग है। इन कठिन शब्दों के अर्थ सुन लीजिए। शब्दार्थ रुखसत विदा, अव्वल पहली, जियारत तीर्थ, कलाम बातचीत, इजहारे बेकसी निराशा की अभिव्यक्ति, नौनिहाल जवान बेटा, खस्ता हाल दुख से बेहाल, सकता बेहोशी का आलम, शिद्दते मलाल दुख की तीव्रता, जर्द पीला बशर जीवन, तस्वीरें संग पत्थर की तस्वीर। दूसरा सीन, क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नजर पे दीदे हसरत से की निगाह। जुम्बिश हुई लबों को फिर एक सर्द आह, ली गोशा हाय चश्म से अशकों ने रुख की राह। चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मुए तन जबां की तरह बोलने लगा। आखिर असीरे यास का कुफले दहन खुला, अफसाना शदाएदे रंजो महन खुला। एक दफ्तरे मुजाले में चरखे कोहन खुला, वो था दहाने जख्म की बाबे सुखन खुला। दर्दे दिले गरीब जो सरफे बयां हुआ, खूने जिगर का रंग सुखन से आया हुआ। कठिन शब्दों के अर्थ, नूरे नजर बेटा, दीदा दृष्टि, जुम्बिश कंपन, गोशा चश्म आंख से, रुख चेहरा, हर मुए तन हर बाल जिस्मानी बाल, असीरे यास दुख ग्रस्त कुफले दहन बंद मुख मुख ताला, शदायदे रंजो महन मुसीबत दुख पीड़ा, इम्तिहान मुजालिम कठोर, चरख चक्र कोहन पुराना, दहन मुंह बाप दरवाजा, सुखन बातचीत सर्फ खर्च आया स्पष्ट प्रकट। तीसरा दृश्य, रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, कौशल्या जी बेटे रामचंद्र जी को मुखातिब करके कहती है। रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूं किस लिए आए हो तुम यहां, सबकी खुशी यही है
तो सहरा कहो रमा, लेकिन मैं अपने मुंह से न हरगिज कहूंगी हां। किस तरह बन में आंख के तारे को भेज दूं, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूं। दुनिया का हो गया है ये कैसा लहू सफेद, अंधा किए हुए हैं जरो माल की उम्मीद, अंजाम क्या हुआ कोई नहीं जानता ये भेद। सोचे बशर तो जिस हो लर्जा मिसाले बेद, लिखी है क्या हयाते अबद इनके वास्ते, फैला रहे हैं जाल ये किस दिन के वास्ते। शब्दार्थ इनका, सहरा जंगल, रमा प्रस्थान करना, जरो माल की उम्मीद धन की आशा, बशर इंसान, लर्जा मिसाले बेद, बेद को देखकर बच्चे का कांपना, हयात अबद न खत्म होने वाला जीवन अमृत। प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय अग्रवाल जनसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट मलाडीस मुंबई।